नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूँ आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। उन्नाव के बनरमो मंडी समिति में गैर तरीके से धान और मक्का की खरीदारी का मामला सामने आया है, जहां किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक श्रीकांत कटिहार पर इस मामले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि माननीय विधायक जी व्यापारियों को लेटर पैड पर मक्का और धान खरीद को लेकर लिखकर भेजते हैं, जिसके बाद मंडी में केवल व्यापारी ही धान और मक्का खरीद सकते हैं। सरकारी सेंटर में हो रही इस धांधली को लेकर सेंटर अधिकारी मर्दानी जी ने विधायक श्रीकांत कटियार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता बनकर व्यापारी आते हैं और विधायक का लेटर पैड दिखाकर उन पर दबाव बनाया जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन अधिकारियों को किसानों के बजाय व्यापारियों को दबदबा झेलना पड़ता है। इस संदर्भ में सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये बुजुर्ग आदमी है, हम पार्षद हमारे एक मिनट पहले आप जो भी बता रही थी छोटे शब्दों में, मैं कम शब्दों अब उसी चीज का प्रयोग कर दी। विधायक जी का नाम लेकर के चिट्ठी भेजी है, विधायक जी ने चिट्ठी भेजी है, बोले खुद को भाजपा कार्यकर्ता बना करके किसानों का मक्का नहीं तोलने दे रहे हैं और ये लोग अपनी मक्का ला के तोला रहे हैं। यहाँ पे किसान मक्का नहीं धरना, धान है, धान केसीसी लोन का दबाव है, जिसपे अपनी बेटी की शादी करने का दबाव है, वो पीछे रह जा रहा है कहीं ना कहीं। और मैं चाह करके भी ये पहचान नहीं पा रही हूँ कि कौन जो है व्यापारी है, कौन किसान है, और मेरे ऊपर जो है दबाव बना करके ये काम कर रहे हैं। बस मैंने सीधे आप उनकी फोटो लीजिए, उनकी फोटो लीजिए, ये देखिए, ये बहुत इनका इनका फोटो लीजिए, इनका जो है ये दबाव है इनके ऊपर, बहुत भारी दबाव में है। डाला है आप करो।